बेगम साहिबा वो आ रही है। कौन? अरे सुरैया बेगम, आपको वो शेर याद है ना? हाँ हाँ, तो फिर वही पढ़िएगा, मैं जो हूँ पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? हाँ, कुछ कहा? अरे रुकी, वो शेर तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए सुनाइए। जो आपने बोला था, मैं कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वो खुदा की कुदरत वो हमारे नहीं, हमारे घर में आई है, खुदा की कुदरत है। अस्तगफिरुल्लाह, आप शेर ना पढ़िए बेगम साहिबा, आप शेर ना ही पढ़िए। आज खुदा ही मेरी इज्जत रखे, मैं चिन्मन के पीछे हूँ। जिस हालात के बाद इन्होंने अफसाना निगारी शुरू की है,
उसमें हर लफ्ज दिल से निकला और दिल तक पहुंचा, पहले की एक तफसीर मालूम देता है। अरे साहब, मेरी जिंदगी भी ना एक अजीब सवाल है। दरअसल मुझे अफसाना निगारी और मजमून निगारी से कोई रब्ता ही नहीं था। वो तो मेरे जज्बाती फौजदार शौहर हद भी शौक रखते हैं, और शुरू शुरू में उन्होंने मुझे भी मजमून निगार बनाना चाहा, लेकिन जब मेरी तरफ से पूरी तरह मायूस हो गए ना, तो मेरी तरफ से खुद अफसाने लिखकर छपवाने लगे। मेरे नाम से अफसाना छपता था और वो जनाब दोस्तों के बीच बैठकर इस बात का फख्र करते थे कि वो एक अफसाना निगार और मजमून निगार खातिम के शौहर हैं। उनके लिए तो ये बात काबिले फख्र थी, लेकिन मेरे लिए ये मुनासिब नहीं था कि कोई मुझे फर्जी हैसियत से दुनिया के सामने पेश करे। हाँ, लेकिन मैं उनको ऐसा करने से रोकूं, ऐसी कहाँ हमजाल हमारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी लिखना चाहिए। अरे अच्छा नहीं लिखूंगी, खराब ही लिखूंगी, मगर ये तो ना होगा कि कोई मुझसे मेरी उस हैसियत को सामने रख कर मिले जो रिसालों में पेश की गई है। इल्मो अदब है। तौबा कीजिए, तौबा। आपको तो उनसे ऐसा एतकाद है कि गोया उनके मुरीद ही होकर रह गए। वैसे मुझे तो उनमें ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती। अरे बेगम साहिबा, अगर आपको वो खास बात नजर ही आ जाए तो रोना ही क्या। अब आप ये देखिए कि उनके और आपके हालात किस कदर एक जैसे हैं, मगर उन्होंने अपने को कहां से कहां पहुंचा लिया और आप कहां की कहां धरी रह गई। भाई आप तो कोई कोशिश भी नहीं करती कि कुछ निकले। ठीक है, ऐसी बात है तो आज ही मैं अफसाना लिखती हूँ बैठ करके। ठीक है, और देखिए आप देखकर मुझे पता आप यकीनन हंसेंगे। मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। आप उसका इत्मीनान से अपना अफसाना लिखिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भाई अब उस बाप के साथ उसे की क्या तारीफ की जाए। अरे देखा, मैं कहती थी कि आप हंसेंगे, आपने तो मुझको ही बनाना शुरू कर दिया, इसीलिए तो मैं लिखती नहीं हूँ। यानी आपने लिखा है कि गोपाल उसका एक बाप, जिसके माने ये हुए कि मैं जुमला दिगर बापू में एक था। भाई बापू की फहरिस्त में गोपाल भी एक था। मैं तो इस दफ्तर पैमाना पढ़ने से कासिर हूँ। इतना सा पढ़ लिया तब तो दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। अगर पूरा पढ़ लेता उम्र भर कलम उठाने के काबिल ना रह जाता। जब आसिफ साहब का अतराफी मुकदमा तुम्हारे पास आ करके हकीकत को बेनकाब कर दिया जाए। ठीक है, तो आज ही मैं आसिफ साहब के नाम खत लिखती हूँ। दरअसल आसिफ साहब ने अपना तमाम माजी हाल और मुस्तकिल की अदबी सलाहियतों को इकट्ठा करके। क्यों, आखिर मुझसे क्या काम, वहीं से फरमाइए ना। आप वहीं बैठी रहिए क्योंकि एडिटर साहब आए हैं, मैं उनको अंदर ही लेकर आ रहा हूँ। जी एडिटर साहब आ गए, काफी बेवकूफ बनाया गया है। खैर आज मैं ये ऐलान किए देता हूँ कि मिसेज आसिफ के नाम से जो भी अफसाने छपे हैं वो दरअसल किताबत की गलती की वजह से उनमें मिस्टर की जगह मिसेज छप गया है। नाजरीन सही फरमाए। अजी क्या सही फरमाए भाई, खुद की तो अच्छी रही और हमको तो कहीं का ना छोड़ा। जनाबे वाला ये किस्सा आप ही पर मुंतकी था। उम्मीद है कि अब आप सिफारिश कर देंगे कि ये हकीर रकम इस गरीब पब्लिशर से कबूल की जाए। मैं बगैर किसी तमीज के इतना जरूर कहूंगा कि अगर इन फनकारों की सलाहियत के साथ साथ अगर हम इनकी कोशिश पर नजर पहले रखें बाद में सलाहियत पर रखें तो शायद हम इसमें से जो यहाँ से लेकर जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि औरत को जिस तरीके से इसमें पेश किया गया इस ड्रामे में और
जिस अंदाज में शौकत थानवी साहब ने लिखा होगा उसको पेश करने की कोशिश करिए। मैं समझता हूँ इस कोशिश के लिए हम लोगों को अपनी तालियों से इनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए और तालियां बजेंगी तो उनकी हौसला अफजाई भी होगी। और आप लोगों ने इस प्ले को बैठकर ध्यान से देखा दीजिए। मैं सीधे फनकारों से तारुफ कराते हुए उनका नाम बुलाता हूँ। किरदार का नाम आपको बखूबी वाकिफ है उससे, लेकिन मैं किरदार के नाम के साथ साथ उनके नाम को भी बुलाकर उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले सब में बैठे हुए वो हजरात होते हैं आमतौर पे जो इन फनकारों की हौसला अफजाई के लिए इतना वक्त दिया करते हैं, लेकिन आखिर में अगर उनकी तालियां नहीं मिलती तो हम लोग थोड़े से मायूस हुआ करते हैं। दो तीन लोग ऐसे हैं जो अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हैं। फनकारों के साथ रुखसत होते हैं हम लोग के चिरागों को आंखों में महफूज रखना। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। Thank you.